अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं शकरकंदी को स्टीम करने का तरीका शेयर करूंगी। आप आसानी इसे घर में 20 मिनट में रेडी कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आएँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शकरकंदी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, जो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है, ताकि वो ख़त्म हो जाए। वॉश करने के बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। शकरकंदी को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाही में, देगची में या कोई भी आप चीज़ ले लें, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें और उसे अच्छे से फैला लें। फैलाने के बाद उसमें शकरकंदी को सेट कर दें। शकरकंदी को सेट करने के बाद इसमें 1/2 कप से भी कम पानी शामिल करें। बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, और इसे कवर कर दें। पहले आंच फुल रखें ताकि स्टीम बन जाए। जब 2 से 3 मिनट के बाद इसकी आंच बिल्कुल लो कर दें, बिल्कुल लो आंच पे, यानी कि दम वाली आंच पे हम इसे 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और जो सुराह है इसे भी कवर कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आ सके। 20 मिनट तक हमने इसका कवर बिल्कुल नहीं उठाना और ना ही इसे 20 मिनट से पहले चेक करना है। आप शकरकंदी को एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, 160 डिग्री पे 20 to 20 मिनट्स के लिए बहुत अच्छे से स्टीम हो जाती है। यहाँ पे 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम शकरकंदी को चेक करेंगे। किसी भी टूथपिक से या नाइफ से आप इसे चेक करें। 20 मिनट में शकरकंदी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि आसानी से इसके छिलके उतार सकें। बहुत आराम से शकरकंदी का छिलका उतर रहा है, ये देखें। बिल्कुल आराम से हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। इसी तरह मैं तमाम शकरकंदी के छिलके उतार लूँगी। और अब इसकी कटिंग की तरफ आते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी हम इसे कर लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम शकरकंदी कट कर ली है। बाज़ लोग इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करते हैं और बाज़ लेमन के साथ सर्व करते हैं। आपको जो पसंद है आप उस तरह सर्व करें। अगर आप इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो थोड़ा सा नमक डालें और इमली की चटनी डाल के सर्व करें। अगर लेमन के साथ सर्व करना है तो अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला ऐड करें और लेमन ऐड कर लें और सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।